तो जीव के लिखा पढ़ी भगवान ने कर दी, वो लिखा पढ़ी कर दी तो ठाकुर जी ने कहा अब ठीक है, हम सील ठप्पा और लगा देते कि लिखा पढ़ी हुई है। लिखा पढ़ी इस बात की है कि ये सब तुम्हें तो भोगना ही है, पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना है, पर इसके साथ ही साथ, इस कर्म फल भोग के साथ ही साथ तुम्हें भजन करने की, नए कर्म करने की, मेरी प्राप्ति करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है। आत्म कल्याण का प्रत्येक जीव को पूरा पूरा अधिकार है। बस इस अधिकार को स्मरण में बना करके रखना तो सारे कर्मों का भोग भी हो जाएगा और तुम्हारा जीवन जन्म सफल भी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, लिखा पढ़ी पक्की? बोले हाँ पक्की। तो भगवान ने सील ठप्पा लगा दिया। अब सील ठप्पा और तो कुछ है ही नहीं, भगवान का सील ठप्पा है शंख चक्र, चक्र के चिन्ह, शंख के चिन्ह भगवान ने मनुष्य की, जीव की उंगलियों पर बना दिए। ब्राह्मण हो या चांडाल, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी, कोई किसी पद्मत पंथ को मानने वाला हो, ईश्वर की सत्ता माने या न माने, प्रत्येक जीव की उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह प्रमाणित करते हैं कि तुम किसी देवी देवता के अंश नहीं हो, तुम केवल और केवल भगवान के ही अंश हो और भगवान ही तुम्हारे अंशी हैं। तुम केवल भगवान के हो और केवल भगवान तुम्हारे हैं। इस सील लगाई है ठाकुर जी ने, किसके कहने से लगाई? लक्ष्मी जी के कहने से लगाई, श्री जी के कहने से लगाई, क्योंकि श्री जी प्रार्थना करती प्रभु इस जीव को अवसर दीजिए। इसलिए प्रातःकाल उठकर के करावलोकन करना है, ये कागज पढ़ना है, इस पर सील ठप्पा देखना है कि हम प्रतिज्ञा करके आए हैं, भूल मत जाओ, भजन करो। ये प्रतिज्ञा पत्र प्रातःकाल सबसे पहले प्रतिज्ञा पत्र पढ़ना है, शंख चक्र के चिन्ह देखना है। उन चिन्हों में भी ज्योतिष के लक्षण होते हैं, कितने चक्र हों तो क्या फल है, कितने शंख हों तो क्या फल है, ये सब उसका होता है। जिसकी दशों उंगलियों में शंख के चिन्ह हों वो महान योगी राज होता है, सिद्ध होता है। या दशों कोई विशिष्ट विभूति होता भगवान की, जिसकी दशों उंगलियों में शंख के चिन्ह हो वो भी भगवान की कोई विशिष्ट विभूति होता है। हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की दसों उंगलियों में शंख के चिन्ह थे और पूज्य भक्तमाली जी महाराज की दसों उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह थे। ऐसे एक बार चर्चा चली, महाराज जी कुछ लिख रहे थे, सुदामा कुटीर रामानंद पुस्तकालय की बात है, तो महाराज जी बोले पंडित जी हमारी उंगलियों में देखिए, ऐसे ही बोले, हंस करके बोले पंडित जी हमारी उंगलियों में देखिए, तुम ऐसे देख दसों उंगलियों में चक्र के चिन्ह, अवतारी पुरुषों के लक्षण। पर माया मनुष्यम हरिम, माया मनुष्यम हरिम, यहां माया मनुष्यम गुरुम, माया पूर्वक वे मान मनुष्य जैसे बने रहे, हम लोग उनकी पहचान नहीं पाए। इतनी याद दिलाने के बाद भी यदि हम भजन नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान की कृपा करुणा का अनुसंधान नहीं करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, भगवान का अनन्य भाव से आश्रय नहीं लेते हैं, तो हमसे ज़्यादा अभागा, हमसे ज़्यादा कृतघ्न, हमसे ज़्यादा विश्वासघाती, हमसे बड़ा बेईमान और कौन हो सकता है?
इतना सब करने के बाद भी हम नहीं कर रहे हैं, इससे भारी बेईमानी और कोई दूसरी नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।